नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आते भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल इलाके में सशस्त्र सीमा बल द्वारा वितरण किया गया ग्रामीणों में उपयोगी वस्तुएं। चंद्रदीप थाना क्षेत्र के दीन नगर गांव में दो दिन पहले अंडा विक्रेता के दुकान पर हुए विवाद में गुरुवार को गोलीबारी हुई, जिसमें गांव के मोहम्मद सलमान खान को दो अज्ञात युवकों ने गांव के बाहर कमर में गोली मारकर घायल कर दिया। रोजगार मेला में 387 युवा और युवती ने डाला रिज्यूम, 213 को चयन कर मिला नियुक्ति पत्र। रसोईया संघ के मांगों को समर्थन देते हुए बिहार नव युवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष अनिकेत रंजन ने उनके धरना प्रदर्शन में शामिल होते हुए कहा कि रसोईया संघ की जो दीदी लोग हैं, उन लोगों का बच्चा और घर परिवार के लोग भले भूखे रह जाते हैं। जमुई हिंदुस्तान का दूसरा शाहीन बाग आड़ा पहुंचे पप्पू यादव। लगभग 26 दिनों से जमुई के आड़ा की महिलाएं NRC CAA NPR के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। दामाद को मारकर फेंका, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। सदर थाना क्षेत्र के गोवा गांव में दामाद को ससुराल वालों ने पिटाई कर अरहर के खेत में फेंक दिया। मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय की परीक्षा में उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय महुआडान स्थित मैट्रिक के परीक्षा केंद्र में उच्च विद्यालय लावा लॉन्ग का असली परीक्षार्थी रवि कुमार सिंह की जगह दूसरा युवक विवेक कुमार गणित का परीक्षा लिखते धराया। मांडर कॉलेज के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य द्वार में ताला जड़कर जमकर बवाल मचाया। NH 75 रांची मोदी नगर मुख्य मार्ग के अंतर्गत इंदिरा गांधी चौक पर गुरुवार की दोपहर एम्बुलेंस की चपेट में आने से सहारा कर्मी अनूप कुमार साहू पिता वीरेंद्र साहू सरोज नगर चंदवा घायल हो गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित सभागार में गुरुवार को SIS सुरक्षा कंपनी के द्वारा सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं ड्राइवर के पदों पर भर्ती हेतु रोजगार कैंप लगाया गया। निजी विद्यालयों को मान्यता देने के लिए गुरुवार नया परिसदन भवन में एक बैठक की गई। राजकीय ईट कोरी महोत्सव 2020 के दूसरे दिन राष्ट्रीय पटल पर ईट कोरी का पुरातात्विक महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के उच्च विद्यालय ओपन पंधनिया में मार्गो मुंडा प्रखंड एवं करो प्रखंड के सभी शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। महुआडान मुख्यालय से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बेलोटेली के समीप के पहाड़ पर स्थित महादेव सरना सभी समुदाय के लोगों की आस्था का प्रतीक है। अभी भी लोगों की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कामना पूरी हो जाती है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी 3 पंचायत स्थित NH 28 पर पंचवटी चौक के समीप मालवाहक गाड़ी से धक्का लगने से अवकाश प्राप्त शिक्षक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रानी 3 निवासी रामविलास राय के रूप में की गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल आरती भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे फेसबुक पेज आरती भारत पर भी लाइव खबरें देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए RP भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। RP भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।